हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि VFD क्या होता है, यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसके यूज करने के क्या फ़ायदे होता है। और मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ इसका जितना भी इक्विपमेंट है कैसे काम करता है और कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि VFD क्या होता है। VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर FD के नाम से जाना जाता है, कहीं पर VVFD के भी नाम से जाना जाता है। तो FD का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी ड्राइव और VVFD का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो VFD होता है वो क्या होता है। VFD जो होता है, VFD एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका यूज फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो VFD का मेन यूज़ जो होता है, VFD का मेन जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है? मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और इसका यूज करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब हम लोग मोटर स्टार्ट करते हैं तो हाई करंट होता है, तो क्या होता है वहाँ पे मोटर अचानक से झटका देता है और अचानक से स्टार्ट होता है अगर हम लोग VFD यूज़ नहीं करते हैं तो। वहीं अगर हम लोग VFD यूज़ करेंगे तो जो मोटर जो होगा वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा और धीरे धीरे क्या होगा, बंद होगा। तो इससे क्या होता है कि मोटर का वाइंडिंग जलने से बच जाता है, नहीं तो अगर हाई करंट स्टार्टिंग करंट अगर ज़्यादा होता है तो मोटर जलने का चांस मोटर का ज़्यादा रहता है। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है जिससे हम लोग स्लोली ऑन ऑफ कर सकें। और इसका दूसरा सबसे मेन फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग जितना चाहे स्पीड अपने हिसाब से सेट पॉइंट कर सकते हैं, सेट करके हम लोग क्या करते हैं उतना स्पीड पे इसको चला सकते हैं मैनुअली। अब चाहे कोई भी मोटर हो उसका स्पीड हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो मान लीजिए कि आपका HU है या फैन है या चिल्ड वाटर पंप है, वो अगर हम लोग लगाए हुए हैं तो वो अगर रन कर रहा है इससे, अगर हम लोग VFD लगाए हैं तो क्या होता है उसमें कभी लोड कम ज़्यादा होता रहता है। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर VFD ऑटो में रहता है तो लोड के हिसाब से स्पीड घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो VFD का स्पीड बढ़ जाएगा, अगर लोड कम होगा तो जो VFD का स्पीड कम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि हमारा एनर्जी भी सेव होता है और हम लोग को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, जितना ज़रूरत चाहिए उतना स्पीड पर हम लोग VFD जो होता है उसको चला के मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ क्या होता है, मोटर का स्पीड को हम लोग अपने हिसाब से या ऑटो में या मैनुअल में हम लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो VFD का मेन यही फायदा होता है। ये जो है आप लोगों को दिख रहा है MCC पैनल है, यानी मोटर सेंट्रल कंट्रोल पैनल है। तो ये जो है मोटर कंट्रोल पैनल जो है ये यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा सप्लाई VFD में जा रहा है। आप लोगों को पता है कहीं भी अगर मोटर है तो सबसे पहले MCC पैनल में जाएगा, वहाँ से VFD में जाता है या तो फील्ड में जाता है। अगर VFD नहीं लगा है तो डायरेक्ट, अगर लगा है तो फील्ड में जाएगा। तो हम लोग ओपन करेंगे इसको, देखेंगे VFD में क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ जो मेन इक्विपमेंट होता है ये होता है VFD आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो है आप लोग को, ये जो केवल है ये दिख रहा है इनपुट है, और ये जो है कंट्रोल का केवल है आप लोग को दिख रहा है। इसमें पतला पतला केवल है, VFD का पूरा कंट्रोल यहाँ से होता है। VFD का कंट्रोल जो होता है इससे होता है, ये पूरा कंट्रोल का है। और ये है VFD का आउटपुट जो मोटर में जा रहा है, यहाँ से कंट्रोल देने पर ही मोटर उसी के हिसाब से चलेगा। आप लोग को ये दिख गया। अब हम लोग देखेंगे इसका जो सप्लाई है, आप लोग को दिख रहा है ये जो है लैन केवल है, ये कम्युनिकेशन है जो आउटपुट हमारा जो HMI पैनल पे जाता है उसका है, ये आप लोग को दिख रहा है। फिर हम लोग इसको निकालेंगे, आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आप लोग को दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये इनपुट आया हुआ है, आप लोग को दिख रहा है VFD का इनपुट है और ये जो है आउटपुट है, और ये जो है आप लोग को दिख रहा है कंट्रोल का जो नीचे गया था, ये कंट्रोल का। तो VFD मेन VFD यही है, यहाँ से हम लोग क्या है इसका पैरामीटर सेटिंग वगैरह जितना भी होता है प्रोग्राम होता है यहाँ से करते हैं लैन केबल के द्वारा कंप्यूटर से हम लोग कनेक्ट करके। अब देखिए VFD का लॉजिक मेन काम करने का प्रोसेस क्या होता है, आप लोग को दिख रहा है ये जो है ये फेज है इसका, 3 फेज इनपुट है। यहाँ से इनपुट जो होता है ये जो होता है डायरेक्ट रेक्टिफायर में लगा रहता है, VFD में फर्स्ट रेक्टिफायर लगा रहता है। रेक्टिफायर क्या करता है इसको DC में चेंज करता है, AC को DC में चेंज करने के लिए क्या होता है रेक्टिफायर लगा रहता है। उसके बाद में जो हम लोग को AC मिलता है, AC से DC जो मिलता है उसको प्योर करने के लिए फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर उसको प्योर DC करता है। प्योर DC करने के बाद क्या होता है फिर इन्वर्टर यूज होता है, इन्वर्टर क्या करता है जो DC होता है प्योर DC उसको AC में कन्वर्ट करता है, और AC में कन्वर्ट करके फिर यहाँ जो है आप लोगों को दिख रहा है ये आउटपुट जो मिलता है AC मिलता है 3 फेज। और इसका पूरा प्रोसेस जो मेन कमांड जो होता है यहीं पे होता है। और ये जो है आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा टर्मिनल है, TV है, ये जो है ये VFD का कम्युनिकेशन का है, जो हम लोग जो मेन जो HMI पैनल होता है कंट्रोल पैनल होता है वहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये वो कम्युनिकेशन यहाँ आता है और यहाँ से यही पूरा प्रोसेस जाता है, तो आउट होके ये जो है मोटर में जाता है, मोटर वहाँ से उसको यही कमांड देगा। हम लोग बाहर से सेट करेंगे यहाँ पे तो कमांड देगा, कमांड देने के बाद में मोटर उतना स्पीड पे चलेगा। अगर ऑटो में रहेगा तो हमारा जो प्रोग्रामिंग होगा उसी के हिसाब से VFD आउटपुट देगा और वहाँ से मोटर उसी स्पीड पे उसी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। कनेक्शन जो है वायरिंग इनपुट कहाँ से कैसे मोटर तक जा रहा है इसका हम लोग पूरा कनेक्शन देखेंगे, मोटर तक कैसे पहुँच रहा है।
तो सबसे पहले एमसीसी पैनल से यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, आपको दिख रहा है इनपुट जो है यहाँ पे आ रहा है रेड येलो ब्लू, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये ग्राउंड है, तो ये जो है एमसीसी पैनल से आ रहा है, और ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है आइसोलेटर है, यहाँ से हम लोग बाहर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आप लोग को दिख रहा है जो आउट हो रहा है ये यहाँ पे दो एमसीसी लगा हुआ है, एमसीसी भी लगा हुआ है, तो एमसीसी भी जो है ये दो क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे दो वीएफडी है दो मोटर के लिए यूज किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे दो एमसीसी भी लगा हुआ है जहाँ से ये दोनों अलग अलग वीएफडी के लिए यूज किया जाएगा। फिर यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है ये गया है इसमें, ये जो है ईएलसीबी है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आप लोगों को दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग ईएलसीबी यूज हो रहा है ये प्रोटेक्शन के लिए अर्थ लीकेज से, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो है पूरा फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, और एक आप लोगों को दिख रहा है एमसीबी लगा हुआ है, तो ये फ्यूज और एमसीबी जो है कंट्रोलिंग के लिए यूज होगा, यहाँ से कंट्रोल करके ये सिंगल फेज यूज किया जाएगा, ये जो है हमारा कंट्रोल के लिए, और यहाँ पे आप लोग दिख रहा है कंट्रेक्टर है, उसी के लिए कंट्रेक्टर लगा हुआ है कंट्रोलिंग के लिए, और वहाँ से आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग ये एमसीबी लगा हुआ है, और ये रिले है आप लोग को दिख रहा है, ये सब रिले लगा हुआ है कंट्रोलिंग के लिए, हम लोग जो कमांड देते हैं उस पर होल्डिंग वगैरह के लिए या ट्रिप करेगा या मतलब जो भी फॉल्ट वगैरह आता है के लिए ये रिले लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप लोग को जो रिले वगैरह कंट्रोल के लिए लगा, और ये जो है आप लोग को दिख रहा है ईएलसीबी से जो पावर है, अब हम लोग देखेंगे ईएलसीबी से पावर डायरेक्ट जो है आ रहा है हमारा वीएफडी में आके, फिर से ये जो है आप लोग को दिख रहा है जाने के बाद यहाँ पे टीवी में जा रहा है, और टीवी से ये जो है हमारा आउट हो रहा है मोटर के लिए आप लोग को दिख रहा होगा, और ये जो है आप लोग को दिख रहा है ये केबल है जो आप लोग को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा कंट्रोलिंग के लिए, ये जो है हम लोग का जो ये HMI है जो कंट्रोल पैनल है VFD का, तो इसमें कनेक्टेड रहता है, ये जो है केबल जो आप लोग को दिख रहा है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, ये आप लोग को यहाँ से यहाँ आके मिलेगा, और ये जो है आप लोग को दिख रहा है ये फैन है, ये जो VFD का चलता है तो इसमें गर्म रहता है हवा, तो इसको ठंडा करने के लिए ये फैन लगा हुआ है आप लोग को दिख रहा होगा, और ये पूरा इंडिकेशन का आप लोग को दिख रहा है, ये इंडिकेशन जितना इंडिकेटर है उसका ये जो है आप लोग का कनेक्शन यहाँ से किया हुआ है, और यहाँ से आप लोग पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक VFD के लिए आप लोग का रन का लाइट ग्लो करेगा ट्रिप रहेगा तो ये ग्लो करेगा, ये येलो है ये ब्लू है, और ये जो है ऑफ रहेगा तो रेड चलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट पुश बटन है यानी ऑन करने के लिए दबाना पड़ेगा हम लोगों को, और ये जो है स्टॉप पुश बटन है बंद करने के लिए, और ये है सेलेक्ट करने के लिए कि हम लोग लोकल में इसको चलाएंगे कि रिमोट में चलाएंगे, अगर हम लोग लोकल में चलाएंगे तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर रिमोट में अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ से हम लोग नहीं चलाएंगे, या तो स्काडा या BMS से या दूसरे जगह से हम लोग किसी स्विच के द्वारा इसको मोटर जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है, तो दोनों का आप लोग दिख रहा है ये अलग अलग दिया हुआ है, और ये जो है VFD का कीपैड है यानी HMI पैनल है या इसको कंट्रोल पैनल कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऑफ कर सकते हैं इसमें हैंड मोड में, अगर हम लोग लोकल में डाल के यहाँ से लोकल में अगर सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग ऑफ कर सकते हैं, इसको हैंड मोड में चला सकते हैं या ऑटो में चला सकते हैं, और ये जो है पूरा पैरामीटर वगैरह हम लोग को देखने के लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग को ये भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर इस साइड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप लोगों को दिख रहा है ये जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये जो है वोल्टेज के लिए और करंट को मेजर करने के लिए है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वोल्टमीटर एमीटर लगा हुआ है, और ये फेज का इंडिकेशन है, और यहाँ पे हम लोग ये जो है वोल्टमीटर है तो हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे, तो इसमें क्या है कि हम लोग दो फेज के बीच में वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, रेड येलो के बीच येलो रेड या ऐसे न्यूट्रल येलो के बीच न्यूट्रल फेज के बीच ऐसे हम लोग सेलेक्ट कर करके यहाँ से सेलेक्ट कर करके हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर करके चेक कर सकते हैं, तो वैसे ही सेम यहाँ एमीटर लगा हुआ है करंट को मेजर करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड येलो ब्लू यानी तीनों का बारी बारी से हम लोग करंट का मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को दिखा होगा कि इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा है, VFD में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है, और कैसे ये स्पीड को कंट्रोल करता है, और मोटर का स्पीड को हम लोग अपने हिसाब से कैसे सेट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।